बेसन की एक ऐसी सब्जी जिसे आपने पहले कभी भी नहीं खाया होगा, बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी है। तो आज से पहले आपने इस सब्जी को कभी नहीं खाया होगा, इतनी बढ़िया ये सब्जी बनकर तैयार होगी, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक को डाला है और 1/2 चम्मच ही हल्दी डाली है और 1/2 चम्मच ही यहाँ पर मैंने काली मिर्च को ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक घोल बना लेंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे स्टार्टिंग में, एकदम ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो बैटर हमारा जो है बहुत पतला ना हो जाए। तो अभी देखिए गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, फिर से इसे घोल लेंगे। तो ये बैटर अभी भी गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा कर कर ही ऐड करें, एकदम ना ऐड करें, नहीं तो हमारा जो बैटर है बहुत पतला हो जाएगा। तो ये देखिए बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। तो दूसरी तरफ हम तवा गर्म होने के लिए रख देंगे और इस पर ऑयल या घी लगा लेंगे और उस पर इस बैटर को डाल देंगे। तो देखिए सारे बैटर को डाल दिया और इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये सब्जी एक बार बना लेंगे तो बार बार इसे इस तरह बनाकर खाना चाहेंगे, इतनी बढ़िया ही सब्जी बनकर तैयार होगी। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तब घी को चारों तरफ लगा लेंगे और इसे ऊपर भी डाल देंगे और इसे नीचे सिकने देंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे, उसके बाद इस तरह से इसे उठा के देख लेंगे। तो ये नीचे सिक चुका है तो इसे पलट लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से सेक लेंगे और थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसे लगा लें और फिर से एक बार पलट देंगे। तो देखिए नीचे से सेक कर तैयार है। तो दोनों तरफ से इसे इस तरह से सेक लेंगे ताकि जो ये कच्चा ना रह जाए। तो अच्छे सेक चुका है ये, तो देखिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को लिया है। तो तेल को गर्म कर लेंगे, 2 पिंच हींग ऐड कर लेंगे। उसमें यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन को एक साथ पीस लिया था तो उसके पेस्ट को इसमें पहले ऐड कर देंगे और पहले इसे भूनेंगे। तो जग में लगा हुआ पेस्ट भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए इसे चलाते यहाँ पर भूनना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर को डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर को डाला है और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर को डाला है और इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले जो हैं लहसुन और प्याज के साथ अच्छे से भुन जाएं। तो देखिए इसे कवर कर कर रख देंगे, ढक्कन रख कर चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मसाला भुनकर हो गया तैयार। तो इसे एक बार फिर से चला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी को ऐड किया है, तो यहाँ पर 1 बड़ा गिलास भरकर पानी को मैंने डाल दिया है। तो पानी को डालने के बाद इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे। तो जब इस पानी में उबाल आना एकदम स्टार्ट होने लगे उसी समय हमने इस पूड़े के टुकड़े कर लिए हैं। तो टुकड़े ना बड़े हो ना ज़्यादा छोटे हो, इस तरह के आप रेंडमली इसके टुकड़े कर लें और इसे पानी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने गरम मसाले को ऐड किया है, तो 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाले को ऐड किया है और स्वाद के अनुसार नमक को ऐड कर देंगे क्योंकि अभी तक हमने नमक ऐड नहीं करा था। अब इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए धनिया को इसमें ऐड किया है, तो हरा धनिया इसमें डाल देंगे ऊपर से और एक बार फिर से चला लेंगे। अब ढककर इसे पकने देंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी बेसन की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। आप इसे पूड़े की सब्जी भी कह सकते हैं क्योंकि इतनी बढ़िया ही बनकर तैयार होती है। तो एक बार इस नई तरीके की सब्जी को ज़रूर ट्राई करें, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपका कुछ अलग सा खाने का मन हो तो आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।